आपने शाहदोला के चूहों का नाम तो सुना ही होगा, जिनके सर छोटे होते हैं और मुंह बड़ा होता है। ये अक्सर गली और बाजारों में भीख मांगते हुए नजर आते हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं गुजरात में, तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि ये चूहे जो शाहदोला के चूहे कहलाते हैं, ये क्यों कहलाते हैं, और जो मशहूर जो बुजुर्ग हैं जिनका मज़ार गुजरात में वाकई है, कि हकीकी तौर पर इस तरह की जो रिवायात मशहूर हैं क्या वैसे ही है या हकीकत कुछ और है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली वॉइस ऑफ हिस्ट्री के साथ। दोस्तों आज मैं जा रहा हूं, आपने सुना तो होगा, मशहूर शाहदोला के चूहे जिन्हें कहते हैं, जिनके सर छोटे और मुंह बड़े होते हैं। तो वो जो मज़ार है जहां पे जहां से इनकी इब्तिदा हुई थी, वो गुजरात के अंदर वाके कबीरुद्दीन शाहदोला जो हैं उनका मज़ार है। वहाँ पर कहते हैं कि लोग जो मन्नतें मानते हैं और पहली औलाद जो उनकी होती है वो आके यहाँ पे बाबा के दरबार पे छोड़ जाते हैं उनको। तो आइए चलते हैं, आज देखते हैं बाबा का मज़ार और इसकी हकीकत से भी पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हकाइक हैं और क्या बातें बनाई गई हैं। तो चलते हैं, ये बाज़ार है छोटा सा जो मेन रोड से मज़ार की तरफ जाता है। तो चलते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें भी हैं जो चादरें और फूल वगैरह बेचते हैं। पूरी गली के अंदर जो है वो चादरें और फूल पत्तियाँ जो लोग मज़ार पे जाते हैं उनको उनके लिए ये सहूलत फराहम की है। पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक बुजुर्ग के मज़ार से वाबस्ता रिवायात सदियों से मशहूर है कि अगर यहाँ पर बे औलाद जोड़ा दुआ मांगे तो उसके हाँ औलाद जरूर होती है। ये मज़ार हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाहदोला दरियाई गंज बख्श का है, जो शाहदोला के नाम से मशहूर हैं। इससे जुड़ी कई बातें लोगों के लिए हैरान कुन है। रिवायत के मुताबिक हजरत शाहदोला दरियाई रूहानी पेशवा थे। अगर उन्हें अपने जमाने का एक मारूफ सामाजिक कारकुन कहा जाए तो बेजाना होगा। शाहदोला के मज़ार पर सिर्फ बे औलाद जोड़े ही नहीं आते, बल्कि एक अकीदा ये भी है कि यहाँ माजूर बच्चों की माजूरी भी दूर हो जाती है। मज़ार पर जलने वाले चिरागों में रखा हुआ तेल अगर माजूर बच्चों को लगाया जाए तो वो सेहतियाब हो जाते हैं और उनकी माजूरी खत्म हो जाती है। यहाँ के अकीदतमंदों का कहना है कि यहाँ आने वाले अक्सर सवाली झोली भरकर ही वापस जाते हैं। और ये बिल्कुल मज़ार के साथ ही दलान है जहाँ पे काफी सारे लोग जमा है बाहर, और यहीं से एंट्री होती है। आइए अंदर चलते हैं। ये दुनिया ऐसे ऐसे पुरसरार राजों की हामिल है कि कई वाकयात नजर के सामने आने पर भी हमें समझ नहीं आता। कई वाकयात बस बातें लगती हैं। हमारी समझ से बालातर है कि राजों में से एक राज शाहदोले के चूहे भी हैं। सवाल ये है कि ये शाहदोला कहां से आते हैं और उनका पस मंजर क्या है और इनको शाहदोला क्यों कहा जाता है। कहते हैं कि एक मर्तबा किसी इलाके की महारानी शाहदोला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मेरे पास अल्लाह की हर नेमत, दुनियावी दौलत, हुकूमत है, शोहरत है, लेकिन खुदा ने मुझे औलाद से महरूम रखा हुआ है। दुआ की तालिब हूँ, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए, मेरी हाजत रवाई करे। शाहदोला ने कहा, खातून तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त तुम्हें कबूल करना होगी। औरत ने अर्ज किया, क्या शर्त है? शाहदोला ने कहा, जो तुम्हारी पहली औलाद होगी वो तुम्हें हमारे लिए वक्फ करनी होगी। औरत शाहदोला की शर्त मान गई और उसने वादा कर लिया कि वो ऐसा ही करेगी। औरत कुछ दिन बाद हामला हो गई और अल्लाह ने उसको बेटा अता किया। उस बच्चे का सर आम बच्चों से कदरे छोटा था। उस औरत के दिल में ख्याल आया कि एक औलाद पैदा हुई है, आइंदा क्या पता कोई औलाद हो या ना हो, ये इकलौता बच्चा है, मैं कैसे इसको दरगाह पे छोड़ाऊं। औरत कई दिन तक यही सोचती रही, लिहाजा उसने ये फैसला कर लिया कि बच्चे की विलादत को जाहिर नहीं करेगी और इस बात को राज रखेगी। लिहाजा उस औरत ने ऐसा ही किया। एक रात उसके ख्वाब में शाहदोला दरियाई आए और उन्होंने औरत से कहा, खातून तुमने वादा खिलाफी की है,
तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। औरत ने कहा, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, मैं इसको अपने आप से कैसे जुदा करूं। शाहदौला ने कहा, यह बच्चा छोटे सर का है, इसका सर आम सरों से छोटा है, इसके सर से अकल सलब कर ली गई है। ये सुनकर औरत ख्वाब से उठ गई और सुबह होते ही बच्चे को डॉक्टर हकीमों के पास ले गई। सबने एक ही जवाब दिया, ये बच्चा सही नहीं हो सकता। अब इस औरत को शदीद फिक्र हुई और वो फौरन शाहदौला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मैं अपना बेटा आपकी दरगाह पर छोड़ रही हूँ। ये सुनकर शाहदौला दरियाई ने कहा, तुम्हें शैतान ने गाफिल कर दिया था, मगर खुदा ने करम किया और तुम बच्चा लेकर यहाँ आ गई। अब तुम बच्चा छोड़ो और चली जाओ। इसके बाद उस औरत के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई जो जिस्मानी और जहनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त थे। शाहदौला ने माजूर बच्चों की परवरिश के लिए इदारा बनाया था, लिहाजा वक्त के साथ साथ हकायक गुम होते जा रहे हैं और रिवायत फैलती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे मौजूद जो एक काफ़ी यहाँ के नेटिव है, 15 साल से इधर हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हकीकत है। और यहाँ पे कुछ मुझे वो नज़र आ रहे हैं, खाके नज़र आ रहे हैं चांदी के, तो इनसे पूछते हैं। हाँ, अच्छा मुझे बताइएगा कि मैंने बहुत सुना है कि जो लोग बच्चों की मन्नत मानते हैं आगे, उनको पहला बच्चा जो मजार पर देना होता है, कि हकीकत है? ऐसी कोई बात नहीं है, फिर ये चांदी का नक्श चढ़ा के जाते हैं, ये पता है कि नक्श बने हैं। अच्छा, यही चढ़ा के जाते हैं, ये सब चलता है। अच्छा, ये नक्श देते हैं? ये नक्श चढ़ा के। तो वो बच्चे वाली बात कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की वो क्यूरियोसिटी थी, इसीलिए मैं इधर आया था। मैंने कहा वहाँ कोई ऐसी बात नहीं, तो ये फैलाई हुई बात है। अच्छा, वो जो जिनके छोटे सर होते हैं और वो अक्सर हमने देखा कराची में भी नज़र आते हैं, तो वो क्या, उनका क्या ताल्लुक है इस मज़ार से? मज़ार शरीफ की औलाद है सरकार की, शुरू से आ रही है। अच्छा, ये उनकी औलाद चल रही है? उनकी औलाद चल रही है। अच्छा, तो ये किसी भी घर में पैदा हो सकते हैं? ये किसी भी घर में पैदा हो सकते हैं। अच्छा, पैदा हों लेकिन अपने घर में बच्ची अच्छी परवरिश करें, वो भी स्वाब का काम, दरवेश लोग हैं ये। अच्छा अच्छा जी, है दरवेश होते हैं? जी दरवेश होते हैं। तो इनको फिर मैं मकसद से भी ये था कि इसे भीख मांगने के लिए, ये तो आपने अपना रोजी का तरीका बना लिया, आदमी जो भी होते हैं इसकी रोकथाम के लिए कोई करना चाहिए, करना है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल कोई नहीं है। शाहदौला के चूहों के बारे में एक ये भी मशहूर है कि जब उनका आखिरी वक्त आता है तो उनको मालूम हो जाता है और उनको एक खाली कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाता है, और चंद दिन बाद जब ताला खोला जाता है तो कमरा खाली होता है। कमरे में बंद किए जाने वाला शाहदौला का चूहा ना जाने कहाँ चला जाता है। इसीलिए चंद लोगों का ये भी मानना है कि इनकी नमाज जनाजा नहीं होती। इस हवाले से आलिम दीन का कहना है कि ये बिल्कुल बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई गायब नहीं होता, ये सब झूठ पर मबनी है। आलिम दीन का ये कहना है कि अगर दुनिया में कोई इंसान आया है और अगर वो मुसलमान है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, लिहाजा कहां गायब हो जाता है, ये सबको जाहिल लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। यहाँ काफ़ी घूमने फिरने के बाद भी मैं तकरीबन 2 घंटे इस इलाके में इस मज़ार पे रहा, लेकिन मुझे आसपास भी कोई इस तरह का कोई बच्चा, कोई छोटे सर वाला, कोई शाहदौला नज़र नहीं आया।